गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं विजिबल हूं मेरी आवाज़ आ रही है इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल काइंडली सेंड मी व्हाट्सएप मैसेजेस ऑल ऑफ यू प्लीज दैट वुड कंफर्म शोभना ओके मिलन अजय, अजय सी ओके मैसेज भेजो व्हाट्सएप आप लोगों को आवाज बिल्कुल अच्छे से आती है या माइक और सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए काइंडली फीडबैक देना मुझे अजय 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 यस अजय लिंक नहीं पहुंचा क्या क्या नहीं हो रहा hmm, देखो ट्राई करो सिग्नल वगैरह ठीक है आपकी तरफ यूट्यूब का लिंक है ये उसी लिंक को दबा देना आपने हो गया मैं दिख रहा हूं राइट चलो अब ध्यान दो हेडफोन वगैरह ईयरफोन लगाओ नोटबुक साथ रखो पेन साथ रखो राइट स्टार्ट करते हैं चलिए जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं अजय जनरल स्टडीज़ में हम लोग हिस्ट्री जोग्रफ़ी इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन साइंस करंट अफेयर्स और एथिक्स वाला पेपर ये सब मॉड्यूल्स कवर करेंगे अभी हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू किया है पढ़ते कैसे हैं दो तीन दिन पहले उसके जनरल आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं सेलियंट फीचर्स डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है कैसे काम करता है वो डिस्कशन करेंगे दो तीन चार घंटे की दो तीन चार घंटे की डिस्कशन के बाद लगभग आधा पॉलिटी आपको समझ आ चुका होगा तो हम थोड़ा वो डिस्कस कर चुके हैं आज उसे थोड़ा और रिवाइज करेंगे थोड़ा हम आगे बढ़ जाएंगे अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है कानून की किताब है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक विच कंटेन बेसिक लॉ ऑफ द लैंड देश को चलाने का ब्रॉड ब्रोड, -ब्रोड मोटा मोटा कानून है पूरा देश इससे चलता है संविधान से चलता है और हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है सुप्रीम है इससे ऊपर कुछ नहीं है वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आर कंट्री वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी संविधान सुप्रीम है हम सब इसके नीचे हैं सर्वोच्च कानून अब सवाल खड़ा होता है कि संविधान बनाता कौन है क्योंकि अपने यहां डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी डेमो मीज पीपल क्रेसी मीज रूल रूल ऑफ पीपल लोगों का राज है हमारा राज है तो हमारे लिए कानून कोई और क्यों बनाए अंग्रेज क्यों बनाए अंग्रेज गए यहां से अब हम अपने राजा हैं हम मालिक हैं तो अपने लिए कानून हम खुद बनाएंगे हम अपना कानून खुद बनाएंगे एक सेकेंड अपने लिए कानून हम खुद बनाएंगे क्योंकि अपने यहां डेमोक्रेसी है हम खुद कैसे बनाए जब हम आजाद हुए 40-45 40-45 करोड़ करोड़ लोग तो 40 -45 करोड़ लोग तो जब इतने ज्यादा लोग होते हैं तो क्या तरीका होता है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना दी जाती है कुछ लोग बैठ जाते हैं हमारे द्वारा चुने गए वो कानून बनाएंगे तो हमने ऐसी ही एक संविधान सभा बनाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने हमारे लिए संविधान बनाया तो हमने आम जनता ने संविधान सभा बनाई और संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया इसकी बारीकियां हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कैसे हम लोगों ने फिर आगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मीटिंग्स की और कैसे संविधान हमने बनाया यहां पहुंचे अब कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इतना पवित्र डॉक्यूमेंट होता है इस पर इतना ज़्यादा हम भरोसा करते हैं कि इतना भरोसा तो हम गांधी जी और नेहरू जी पर भी नहीं करते थे। हमने इंसानों पर भरोसा नहीं किया हमने भरोसा किया संविधान पर संविधान द आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे आदर्श सब संविधान में हमने संविधान से उम्मीद रखी कि हे संविधान अब तू ही हमें आगे बढ़िया जीवन देगा इंसानों पर भरोसा फिर भी नहीं किया हमने चाहे कितने भी बड़े देशभक्त हो राष्ट्रपिता भी हो हमें भरोसा इंसानों पर नहीं था भगवान जाने कब इंसान का दिमाग फिर जाए सत्ता देख के पावर देख के इसलिए हमने शांति से सब लोगों ने सियाने पढ़े लिखे लोगों ने देशभक्त लोगों ने फ्रीडम फाइटर्स ने मिलके बैठ के एक अच्छा कानून संविधान तैयार किया और सबको बोला सब लोग इस संविधान से चलेंगे और पूरा देश इस संविधान से चलेगा इस संविधान ने ही बताया कि सरकार कैसी होगी सरकार कैसे चलेगी सरकार कैसे बनेगी इस संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सरकार बनाई सरकार के तीन अंग बनाए पहला अंग होता है लजिस्लेचर दूसरा एग्जीक्यूटिव तीसरा जुडिशरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं लजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी संविधान ने संविधान खुद तो एक बड़ा ब्रॉड कानून बेसिक कानून है ही है देश चलाने के लिए लेकिन देश के अंदर और छोटे छोटे बहुत कानून होते हैं डिटेल्ड लॉज होते हैं हम रोड पे चलते हैं तो दिन भर कानून हमारे ऊपर रहता है हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं गलत पार्किंग करते हैं उसका फाइन लगता है वो भी एक कानून होता है पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करते हैं वो भी एक फाइन फाइन होता है सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक करते हैं वो भी फाइन लगता है एक कानून के तहत फाइन लगता है ऐसे कानून कौन बनाता है संविधान तो नहीं बनाता संविधान तो ब्रॉड ब्रॉड मोटा मोटा कानून है संविधान तो यह बताता है कि राष्ट्रपति कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे सेंटर क्या होगा स्टेट क्या होगा पावर्स क्या होंगी, हमारे अधिकार क्या होंगे तो छोटे बारीक कानूनों के लिए संविधान ने ही एक बॉडी बना दी जिसे कहते हैं लजिस्लेचर तो इसका काम है कानून बनाना इस लजिस्लेचर को हम कहते हैं पार्लियामेंट हिंदी में संसद जिसके दो हाउसेज होते हैं लोकसभा, राज्यसभा काम क्या करती है कानून बनाती है विधान पालिका इसका काम खत्म इसने कानून बना दिया कानून आगे गया एग्जीक्यूटिव के पास अब एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करती है इंप्लीमेंट करती है यानी जो लोग पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करते मिलेंगे गलत पार्किंग करेंगे एग्जीक्यूटिव उन्हें दंड देगी या पकड़ के जज के पास ले जाएगी कानून इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करेगी यानी पुलिस पुलिस के ऊपर पुलिस के उपर, के ऊपर मिनिस्टर मिनिस्टर के ऊपर प्राइम प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर तो इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर समझ लीजिए या बराबर समझ लीजिए तो प्रेसिडेंट हमारे यहां हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है पर असली हेड प्रधानमंत्री है ये चर्चा हम आगे करेंगे तो ये कानून इन्होंने इंप्लीमेंट किया पुलिस आई पुलिस ने चोर को पकड़ा कहा ले गई जज के पास जज क्या करेंगे एडजुडिकेट करेंगे न्याय करेंगे देखेंगे कि जो कानून बना है वो उचित है उसकी इंप्लीमेंटेशन उचित हुई है ये काम किसका है जुडिशरी का तो इन्होंने कानून बनाया इन्होंने इंप्लीमेंट किया इन्होंने एडजुडिकेट किया न्याय किया देखा कानून उचित है या नहीं ये तीनों अंग ऑर्गन बुझाएं सरकार की आर्म्स अपना काम अलग करते हैं, हैं, अलग करती हैं। पावर्स सेपरेटेड है जुदा है अलग अलग हैं सारी शक्तियां सारी पावर्स एक ही हाथ में हमने नहीं दी क्यों क्यों नहीं दी कल डिस्कस किया था हमने सोचिए शोभना मिलन इसलिए नहीं दी क्योंकि ज्यादा पावर हाथ में आ जाए तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है पावर करप्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्स एब्सोल्यूटली पूरी शक्ति पूरा दिमाग खराब कर देती है पूरा दिमाग खराब ना हो इसीलिए फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स उन्होंने बोला कि सारी शक्तियां सारी पावर्स एक ही हाथ में क्यों रखते हो पावर्स को बांटते क्यों नहीं इसको सिर्फ कानून बनाने का काम दो इसको इंप्लीमेंट करने का इसको एडजुडिकेट करने का और ये तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर नजर भी रखेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस बना के भी रखेंगे कंट्रोल भी करेंगे ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे ये कल हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया था फिर फेडरलिज्म डिस्कस किया था हमने फेडरलिज्म क्या होता है सोच के देखिए जरा फेडरलिज्म का कंसेप्ट भी कल हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए एक दो एक दो टॉपिक्स आर्टिकल्स आप मुझे सेंड करते रहिए शाम को ही कि सर कल सुबह इसके डिस्कशन करो ये टॉपिक हमने पढ़ा हमें नहीं समझ आया कोई भी इशू या मैं अपनी तरफ से उठा के करता चलूं कोई चाइना का झगड़ा कोई पाकिस्तान का झगड़ा दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है चाइना का झगड़ा इंडिया चाइना का झगड़ा इंडिया चाइना का क्यों झगड़ा है सोच के देखिए पड़ोसी हैं बाउंड्री डिस्प्यूट है तो पड़ोसी हैं तो हमेशा झगड़ा होगा ही क्या थोड़ा चाइना डिस्कस करते हैं आपको थोड़ा सा न्यूज पेपर पढ़ने में आसानी होगी एक आधा करंट अफेयर्स का इश्यू मैं रोज पकड़ता रहता हूँ अपनी तरफ से हूं। थोड़ा आज दस पंद्रह मिनट चाइना को डिस्कस करते हैं चाइना के साथ हमारा झगड़ा क्यों है सोच के देखिए पड़ोसी पड़ोसी के साथ झगड़ा तो पड़ोसी है तो झगड़ा होगा क्या यस, पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है टू नेबर्स दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स, इधर दे आर एनिमीज और दे आर पोटेंशियल एनिमीज दो पड़ोसी कभी भी दोस्त नहीं होते या उनमें झगड़ा हो चुका है या होने वाला है सही है सोच के देखिए जहां पर रहते हैं अड़ोस पड़ोस हल्का फुल्का पड़ोसी से झगड़ा तना तनी रहती रहती है या होने के चांस रहते हैं अपने यहां शादी हुई तो अड़ोसी पड़ोसी कम आते हैं दूर दूर के रिश्तेदार ज्यादा आते हैं पड़ोसी मुंह फुलाए बैठे रहते हैं हमें बुलाया नहीं जी बुलाया नहीं नॉर्मली पड़ोसियों से कम बनती है नॉर्मली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब पड़ोसी भाइयों जैसे या अच्छा प्यार होता है तो पॉलिटिकल साइंस में एक चोरी है कि टू नेबर्स दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स दो पड़ोसी मित्र नहीं होते या वो दुश्मन हैं या दुश्मन होने वाले हैं पोटेंशियल एनिमीज तो चाइना भी हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान भी पड़ोसी है पर नेपाल तो दोस्त था पोटेंशियल एनिमी था अब नेपाल भी गड़बड़ कर रहा है बांग्लादेश से भी दिक्कत रही है ये तो संभाल के रखे रिश्ते नीचे श्रीलंका से भी दिक्कत रही है भूटान से अच्छी दोस्ती है हमारी भूटान हमारा प्रोटेक्टरेट कंट्री है आपको मालूम है भूटान की अपनी आर्मी अपनी डिफेंस फोर्सेस नहीं है इंडिया ही उसे डिफेंस प्रोवाइड करता है इतनी दोस्ती है हमारी भूटान के साथ तो चाइना पाकिस्तान इनसे हमारा झगड़ा किस बात का बाउंड्री डिस्प्यूट ये बाउंड्री डिस्प्यूट कभी आपने ध्यान दिया हो ज्यादा बाउंड्री के झगड़े ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं एशियन कंट्रीज में ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में भी है क्यों कभी आपने सुना यूरोपियन कंट्रीज में बाउंड्री डिस्प्यूट हो फ्रांस और स्वीडन को लेके झगड़ा हो फ्रांस जर्मनी को लेकर बाउंड्री का डिस्प्यूट हो इटली ग्रीस का झगड़ा हो स्पेन और पुर्तगाल पड़ोसी हैं, इनका झगड़ा हो नहीं तो इधर झगड़े क्यों हैं? सोच के देखिए ऐसा इसलिए कि अपने यहां अंग्रेजों ने राज किया जब अंग्रेजों ने राज किया उल्टे सीधे इतने ज्यादा कब्जे किए जहां मौका लगा कब्जा किया मान लीजिए इंडिया पर राज कर रहे हैं अंग्रेज तो अड़ोस पड़ोस के तिब्बत चाइना के कुछ एरिया पे मान लीजिए कब्जा कर लिया अंग्रेज यहां से गए चाइना भी आजाद हुआ इंडिया भी आजाद हुआ अब चाइना बोलेगा ना भाई इंडिया वो एरिया मेरा है जो अंग्रेजों ने आया था हमसे एक्चुअली वो एरिया मेरा है इंडिया क्या बोलेगा अरे भैया अंग्रेज छोड़ के गए हैं जितना अंग्रेज छोड़ के गए हैं वो सारा तो हमारा ही है ना चाइना क्या बोलेगा कि भैया ये एरिया तो अंग्रेजों ने हमसे दबा लिया था एक्चुअली तो हमारा है हो गया झगड़ा चाइना और जापान के साथ चाइना जापान का आपस में झगड़ा है सेनकाकू आइलैंड्स को लेके वो यही झगड़ा है किसी जमाने में 1895 1895 जापान ने चाइना पर अटैक किया चाइना को हराया और इन आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया हथिया लिया तो मतलब जापान छोटा सा देश इसने भी चाइना को हराया क्या जापान बड़ा जालिम देश रहा है बड़ा एग्रेसिव टाइप कंट्री रहा है ये तो 1945 सेकंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है इनके बिना विजन आपका बनेगा ही नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस आपको समझ आएंगे ही नहीं अच्छे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस लिए फर्स्ट वर्ल्ड हुआ, हुआ कब थोड़ा सा और इसको भी समझो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918। किस किस के बीच में हुआ ये हुआ अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स अलाइड versus सेंट्रल पावर्स अलाई अलाई किसको बोलते हैं ए डबल एल वाई अलाई ये किसको बोलते हैं मित्र को फ्रेंड को ही इज माई अलाय बांग्लादेश इज अलाय ऑफ इंडिया मित्र तो इनको बोलते थे हम अलाइड पावर्स या मित्र देश ये थी केंद्रीय शक्तियां सेंट्रल पावर्स इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ इधर से कौन था अलाइड पावर्स में थे ब्रिटेन समझ लो यूके फ्रांस रशिया ये कंट्री इधर इधर मोटे मोटे तौर पे जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की ये देश ये डिटेल में हम चीजें पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूं कि एक विजन बने एक आइडियाज लगे इन सब चीजों के तो अलाइड वर्सेस सेंट्रल पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनके बीच में हुआ आपको आवाज में नू गो डिस्टर्बेंस आ रहा है आ रहा था आ रहा था खींच दो अच्छा आप मुझे तुरंत मैसेज भेजा करो अगर आपको लगे कि कोई आवाज में डिस्टरबेंस है या कुछ कोई एक आधा तार वार स्विच विच कहीं बार गलत लगी रह जाती है उस कारण आवाज़ आती है अजय आप हो आपको सुन रही है बातें मैसेज भेजो अजय एक मिनट ओके राइट राइट ओके आपको आवाज में कहीं भी डिस्टरबेंस वगैरह आए तो मुझे बताया करो तुरंत मुझे भी ध्यान नहीं रहता कोई स्विच विच में रह जाता है तो फिर तुरंत मैं कर देता हूं आवाज ठीक हो जाती है राइट right. तो अलाइड पावर्स सेंट्रल पावर्स झगड़ा किस बात का क्यों झगड़ा हुआ देखो इनका झगड़ा समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलो दुनिया में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन ये कब आया एक कल परसों भी मैंने जिक्र किया था दुनिया में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन ये जो इंडस्ट्रीज लगी फैक्ट्री लगी मशीनें लगी इंडस्ट्रीज लगी ये मशीन युग ये इंडस्ट्री का युग ये कब आया ये कब की बात है ये मिड एटीन सेंचुरी की बात है मिड एटींथ सेंचुरी कौन से साल हुए यानी कि 1750 के आसपास वाले ईयर्स इस टाइम में दुनिया में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई क्यों क्योंकि इसी टाइम में इंजन का आविष्कार हुआ मोटर का आविष्कार हुआ और इंजन मोटर ने ह्यूमन एफर्ट्स को बहुत रिड्यूस किया मशीनें बहुत तेजी से चलने लगी खूब प्रोडक्शन हुई खूब प्रोडक्शन हो रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए और रॉ मटेरियल कहां से आएगा रॉ मटेरियल इन यूरोपियन देशों के पास तो है नहीं और इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन यूरोप में आई थी यूरोप क्या ब्रिटेन से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से क्यों शुरू हुई ये सब बातें हमने हिस्ट्री में पढ़नी है ब्रिटेन से क्यों शुरू हुई ब्रिटेन से इसलिए शुरू हुई कि उस जमाने में ब्रिटेन ने हमारे जैसे देशों के साथ खूब व्यापार करके धन बनाया हुआ था मर्केंटलिज्म से खूब पैसा कमाया हुआ था वो पैसा इन लोगों ने रिसर्च में डेवलपमेंट में खूब इन्वेस्ट किया खूब खोजें की तो इंजन विंजन ये सब अविष्कार ये अंग्रेजों ने किए खूब इन्वेस्ट करते थे ये लोग रिसर्चेज में और जब इन लोगों ने इंजन अविष्कार किया मशीनें लगी तो इनको महसूस हुआ कि भैया अब तो हमें कच्चा माल भी चाहिए और कच्चा माल भी आ गया वो बेचने के लिए भी तो जगह चाहिए इसलिए इन देशों ने आसपास के एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ पर कब्जे करने शुरू किए जब यह सब हुआ तो इसमें इन्वॉल्व था ब्रिटेन नीदरलैंड्स, इटली फ्रांस स्वीडन स्पेन पुर्तगाल ये सब देश जर्मनी जर्मनी नहीं था जर्मनी नहीं था जर्मनी 1870 के आसपास 1870 में जाके जर्मनी इकट्ठा हुआ यूनिफिकेशन हुआ तो उससे पहले क्या इकट्ठा नहीं था नहीं था छोटे छोटे प्रांतों में थर्टी प्लस स्टेट्स में बटा हुआ था उसको यूनिफाई यूनाइट इकट्ठा किया बिस्मार्क ने ध्यान करो बिस्मार्क, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया ये हम किसे कहते हैं ऑफ इंडिया सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या किया सरदार पटेल ने अंग्रेजों के जाने के बाद जब पूरा भारत छोटे 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 प्रिंसली स्टेट्स राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था और ब्रिटिश प्रोविंसेस में बटा हुआ था तो सरदार पटेल ने इन सब को इकट्ठा किया सब राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया और एक भारत बनाया यूनाइट किया इंडिया को इसलिए तो उन्हें लोह पुरुष ऑफ इंडिया कहते हैं बिस्मार्क ने जो काम जर्मनी में किया 1870 में वो काम सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में किया उन्नीस के बाद तो सरदार पटेल वाला इशू हम फिर जिक्र करेंगे अभी देखिए जर्मनी तो 1870s में जब जर्मनी यूनाइट हुआ मजबूत हुआ अब जर्मनी उठ खड़ा हुआ अब जर्मनी कहता है भाई हट जाओ अब मुझे बताओ कहां है कॉलोनी मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री लगा रहा हूं मुझे भी रॉ मेटेरियल चाहिए मुझे भी कॉलोनी दो कॉलोनी भैया कोई बची नहीं इंडिया पाकिस्तान पे अंग्रेजों का कब्जा साउथ ईस्ट एशिया में होलैंड का कब्जा कुछ एरिया में पुर्तगाल का कब्जा अफ्रीकन कंट्रीज में इटली का कब्जा इथोपिया पे इटली का कब्जा ऐसे अलग अलग देशों में एशिया अफ्रीका के देशों पर इन यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जे कर लिए तो कुछ बचा नहीं क्या जर्मनी के लिए कुछ नहीं बचा अब कुछ नहीं बचेगा उस लूट के माल में जर्मनी भी अपना हिस्सा चाहेगा पाई पी आई ई पाई पाई क्या होता है जर्मनी भी अपनी पाई चाहेगा पाई चाट करते हो आप लोग एप्पल पाई सुना है चॉकलेट पाई आप पेस्ट्री खाते हो केक खाते हो उसका जो टुकड़ा निकल के आता है दैट इज पाई तो पाई डायग्राम में वो यही तो होता है ये पाई तो है ट्रायंगलर टाइप पाई मतलब टुकड़ा प्रॉपर टुकड़ा एन एप्पल पाई एक फ्रेज होता है एंड इन एप्पल पाई ऑर्डर इन अपनी वोकेबुलरी खूब इंप्रूव करते चलिएगा हमेशा कोशिश कीजिएगा नए नए शब्द आपकी वोकेबलरी में ऐड होते रहें जितनी स्ट्रांग वोकेबलरी रहेगी उतना ये पेपर पास करना इजी रहेगा आपको एप्पल पाई ऑर्डर मतलब आप एप्पल काटते हो उसका टुकड़ा प्रॉपर निकलता है तो आम काटोगे तो हाथ गंधे हो मुंह सब, सब गड़बड़ हो जाता है जब कोई चीज वेल मैनेज है सुनियोजित है सुव्यवस्थित है तो उसे बोलेंगे ये एप्पल पाई ऑर्डर में है प्रॉपर है बिना दाएं बाएं लटके सो so when आई entered इन his रूम आई फाउंड everything in इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है एप्पल पाई ऑर्डर का तो जब जर्मनी उठ खड़ा हुआ 1870 के बाद उसे भी लूट के माल में अपना टुकड़ा चाहिए था लेकिन टुकड़ा देने को कोई तैयार नहीं था इसीलिए झगड़ा क्योंकि जर्मनी ने अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू की थी तेजी से इसलिए जर्मनी स्ट्रांग भी हो गया था इसलिए जर्मनी ने पड़ोसी फ्रांस पर अटैक किया और फ्रांस के दो अलेसिस एंड लोरेन पर कब्जा कर लिया इस कारण यूरोप में गुट बनने शुरू हुए शक एक दूसरे के मन में आया एक दूसरे के प्रति और धीरे धीरे ये सैन्य विस्तार होता गया सब अपने हथियार इकट्ठे करते रहे खूब मिलिटरी हुआ मिलिटेरिज्म हुआ सैन्यवाद हुआ और अब कोई मौका चाहिए था एक चिंगारी चाहिए थी झगड़े के लिए और वो चिंगारी 1914 में उनको मिली वो उसकी अलग कहानी है वो प्रिंस का मर्डर हुआ ये सब वो ऑस्ट्रिया हंगरी की कहानी है वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बेसिकली किस लिए हुआ अपनी कॉलोनीज के लिए हुआ जर्मनी कॉलोनी चाहता था ये अलाइड पावर्स कॉलोनी देना नहीं चाहते थे हम क्या थे हम कहां थे हम कॉलोनी थे हम देख रहे थे भैया हमें कौन लूटेगा हम किसके पास जाएंगे अब हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरफ से लड़े ध्यान करो 1914 में हिंदुस्तान में क्या हाल था गांधी जी नए नए साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे और इंडियंस का इंडियन यूथ का गांधी जी ने आह्वान किया था कि आप आइए फौज में भर्ती होइए कौन सी फौज ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसमें भर्ती होइए अंग्रेज बड़े खुश हुए गांधी जी से इस कारण गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश, के, स, ब्रिटिश को सपोर्ट किया उनके एफर्ट्स को सपोर्ट किया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण मैंने बताए ये तो कारण था ही था एक कारण ये भी था कोई ऐसी बॉडी नहीं थी कि दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कोई ऐसी बॉडी तो हो न्यूट्रल टाइप जो उनका झगड़ा सुलझा सके अच्छा जैसे आजकल यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का क्या काम है एक वर्ल्ड बॉडी है जो दो देशों के बीच में झगड़े को सुलझाने का काम करती है तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ खत्म हुआ उसके बाद दुनिया के देशों ने सोचा कि भैया अब और युद्ध नहीं होना चाहिए युद्ध बहुत खतरनाक होता है मैन एंड मटेरियल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है इसीलिए एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया लीग ऑफ नेशंस किस लिए कि भैया दो देशों के बीच में झगड़ा हो तो अपना झगड़ा लीग ऑफ नेशन के पास ले जाना ताकि और युद्ध ना हो और वर्ल्ड वॉर ना हो और विश्व युद्ध ना हो लेकिन और विश्व युद्ध तो हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया 1939 में 1939 थर्टी नाइन टू नाइनटीन फोर्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया अच्छा तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया कह सकते हैं कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं तो लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ उसकी डिटेल्स वो हम आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जानेंगे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने शांति की तरफ अपने प्रयास करने जारी रखे हमने ये नहीं बोला कि भैया लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया अब क्या करें अब कुछ हो नहीं सकता अब छोड़ दो दुनिया को भरोसे बड़े देशों के भरोसे छोड़ दो अब तीसरा विश्व युद्ध भी होता है तो होता रहे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा नहीं हमने फिर शांति के प्रयास जारी रखे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया यूएनओ अक्टूबर 1945 में यूएनओ बना किस लिए कि जी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो पहले इसलिए था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो चलो वो तो हो गया अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो तो अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब यूएनओ कामयाब है क्या यूएनओ सक्सेसफुल है ये पेपर में सवाल आता है जब जब यूएनओ के 50 इयर्स पूरे हुए या 75 इयर्स पूरे हुए तो रोल ऑफ यू एन ओ रेलिवेंस ऑफ यू एन ओ वेदर यूएनओ इज सक्सेसफुल और नॉट एंड इन यू एन ओ हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल और वेयर वी फाइंड यू एन ओ इज नॉट सो सक्सेसफुल ये सब जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यूएनओ के ये सब पेपरों में सवाल आता है तो यूएनओ को हम सक्सेसफुल माने हा अगर आप ये क्राइटेरिया लगाते हो कि वो तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ यूएनओ थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकने में कामयाब रहा है तो हम बोलेंगे यस यूएनओ सक्सेसफुल है लेकिन यूएनओ का का काम सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर वर रोकना ही नहीं था दुनिया से गरीबी दूर करना बेरोजगारी दूर करना निरक्षरता दूर करना बीमारियां दूर करना सबको बेहतर जीवन देना देशों के आपस में झगड़े ना होना ये सारे काम थे यूएनओ के तो दुनिया से कहां बीमारियां दूर हुई हैं डब्ल्यू एच ओ इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूएनओ फेल है कोरोना को नहीं रोक पाई फेल है कह सकते हैं ऑलमोस्ट फेल है जी तो गरीबी कहां दूर हुई है यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है दुनिया में करोड़ों बच्चे अभी भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं कुपोषण के शिकार हैं तो यूएनओ फेल है वैसे बोले तो फेल है लेकिन बहुत से एरियाज ऐसे भी हैं जो हम बोलेंगे यूएनओ ने अच्छा काम भी किया है लिटरेसी रेट क्या था क्या हो गया गरीबी बहुत ज़्यादा थी कम हो गई दुनिया में फिर भी शांति बनी रही झगड़े नहीं हुए तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकालेंगे पॉजिटिव पूछेंगे नेगेटिव पूछेंगे तो नेगेटिव भी निकालेंगे अगर बैलेंस टाइप बनाना होगा तो दोनों आस्पेक्ट्स डाल के फिर लास्ट में हम बोल देंगे कि भैया यूएनओ नीड्स टू improve इम्प्रूव देयर इज अटल मोर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट can do this you can do this देश भी करना चाहिए वो करना चाहिए उस तरह से हमारा आंसर तैयार हो जाता है यूएन ओ तो second world war हुआ second world war क्यों हुआ उसके पीछे भी लगभग वही कारण थे कॉलोनीज के झगड़े थे जर्मनी को बुरी तरह से दबा दिया था जर्मनी हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स ब्रिटेन वाली पावर्स जीती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटेन वाली पावर्स जो ब्रिटेन के साथ रशिया यूएस इनको अलाइड पावर्स बोलते हैं ये लोग अलाइड पावर जीते और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरी तरफ शक्तियां थी उन्हें बोलते थे एक्सिस पावर्स या एक्सिस कंट्रीज यानी धूरी देश एक्सिस क्या होती है धूरी अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है धूरी के चारों तरफ घूमती है एक्सिस। तो अलाइड कंट्रीज एक्सिस कंट्रीज ये एक्सिस हारे एक्सिस में कौन था जर्मनी जापान ये सब देश अब जापान बात जापान से शुरू हुई थी जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाही मचाई हुई थी अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो इंडिया के भी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जो हैं नागालैंड मणिपुर वाले यहां तक भी जापानी पहुंच गए थे आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ध्यान करो सुभाष चंद्र बोस विद द हेल्प ऑफ जापानीज फोर्सेज ऑलमोस्ट इनवेडेड इंडिया रादर दे लिबरेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड को तो आई एन ए इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज सुभाष बोस की अलोंग विद जैपनीज आर्मी इन लोगों ने इंडियन अंडमान निकोबार आइलैंड्स को तो आजाद करा ही दिया था हो ही गए थे कभी पेपर में सवाल आए कि सबसे पहले आजाद होने वाला एरिया हिंदुस्तान का कौन सा है तो अंडमान निकोबार आइलैंड था जिसका नाम शहीद आइलैंड स्वराज आइलैंड ये रखा गया ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब चीजें पढ़ेंगे तो जापानी तो हिंदुस्तान पे कब्जा करने वाले थे टेंशन हो गई थी 1945 में हमें कि भैया 150 साल अंग्रेजों ने राज किया है अब अंग्रेजों को जापानी हरा देंगे तो अगले 200 साल जापानी राज करेंगे हम तो मारे गए ये जापानी इतने खतरनाक हो गए थे चाइना को तो हराया पहले रशिया को हराया उन्नीस सौ में तो रशिया को छोटा जापान बड़ा रशिया यूएसएसआर मतलब मेरा कहने का भाव क्या है कि जापानी बहुत एग्रेसिव टाइप थे फिर 1945 में इनके ऊपर बम फेंके आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी जिनको हम क्या बोलते हैं फैट बॉय फैट मैन एंड लिटिल बॉय ये क्या है फैट बॉय फैट मैन एंड लिटिल बॉय ये कोड नेम्स हैं किसके उन दो बम्बों के जो यूएस ने डाले किसके ऊपर जापान के ऊपर तब जाके जापान शांत हुआ ठंडा हुआ टिका नहीं तो धूम मचा रखी थी तबाही मचा रखी थी और तभी ठंडा नहीं हुआ जापान आगे आने वाले पूरे टाइम के लिए ठंडा हो गया जापान ही ऐसा देश है जिसकी पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कभी तो पेपर में सवाल ये भी आ सकता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसकी पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पैसिफिस्ट मतलब पैसीफाई मतलब पैसीफाई मतलब शांति पैसिफिस्ट मतलब शांति वाली कॉन्स्टिट्यूशन जो शांति की बात कर जापान की अभी तक भी अपनी प्रॉपर आर्मी नहीं है कुछ साल पहले तक तो जापान के पास अपनी आर्मी होती नहीं थी यूएस ने ही जापान को आर्मी प्रोवाइड की हुई थी यूएस फोर्सेस ही जापान में होती थी अब कुछ साल पहले से धीरे धीरे वापिस जाने शुरू हुए और थोड़ी थोड़ी आर्मी बनानी शुरू की है जापान ने जापान ने तय किया पैंतालीस के बाद जब बम पड़े सर पे कि भैया अब हम शांति से रहेंगे किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे और जो बम बनाएगा एटम बम बनाएगा न्यूक्लियर बम बनाएगा उसके साथ तो जापान बिल्कुल बातचीत नहीं करेगा रिश्ते नहीं रखेगा तो जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई कब 2005 में मनमोहन सिंह और बुश के बीच में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे इस पर पूरा एक लेक्चर होता है और उससे पहले जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम फोड़े विस्फोट किया इंडिया ने न्यूक्लियर बम फोड़े विस्फोट किया कब कहा पोखरण पिक्चर भी बनी है हीरो वो है वो जोन अब्राहम पोखरण 1974 सेवेंटी फोर में इंदिरा गांधी पोखरण में बम विस्फोट किए देन 1998 एट में अटल बिहारी वाजपेयी तो पोखरण में बम विस्फोट किए हमने ये किस लिए करते हैं बम विस्फोट हम चेक करते हैं टेस्ट करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम बनाने की एटम बम बनाने की कैपेबिलिटी है कि नहीं वो विस्फोट किए हमने हम न्यूक्लियर पावर हो गए बम हो गए हमारे पास इस कारण जापान हमसे नाराज हो गया बहुत सालों तक जापान ने हमारे साथ रिश्ता नहीं रखा लगभग 20 साल 22 साल जापान ने रिश्ते नहीं रखे हमारे साथ अच्छे ये तो अभी पिछले 10-12 साल से रिश्ते ठीक हुए अब जाके जापान हिंदुस्तान में अस्सी हजार करोड़ से वो बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा है वरना जापान के साथ रिश्ते हमारे बिगड़ गए थे किस लिए इंडिया ने क्या बिगाड़ा है जापान का इंडिया ने पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा है पर जापान को परेशानी है क्या कि भैया आप तो न्यूक्लियर बम बनाते हो आप दुनिया में तबाही लेके आओगे हम बोलते हैं भैया जापान ये बम हमने तबाही के लिए नहीं रखे हैं अपने बचाव के लिए रखे हैं इनका तो डेटरेंट इफेक्ट है क्या इफेक्ट है कोई हमसे पूछे भी भारत भी तो न्यूक्लियर बम रखता है तो भारत भी फिर लड़ाका देश है क्या आप तो बोलते हो हम तो शांति दूत हैं शांति दूत हैं फिर बम क्यों बना के बैठे हो तुम क्या जवाब दें हम बोलते हैं भैया हमने बम किसी पर डालने के लिए नहीं बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं ये गन मेरे पास रखी है यहां बंदूक मैंने टांगी है किसी को मारना नहीं है तो फिर किस लिए इसलिए है कि मेरी बंदूक देख कोई अड़ोसी पड़ोसी मुझे परेशान ना करे मुझे कमजोर ना समझे वो डेटर हो जाए रुक जाए दूर हो जाए, इसका वो डेटर हो जाए इसका डेटरेंट इफेक्ट होता है डेटर करना किसी को रोकना दूर ही रखना डेटर तो डेटरेंट इफेक्ट के लिए हमने अपने यहां विस्फोट किए हम एग्रेसर नहीं हैं और इंडिया ने तो तुरंत बम फोड़ने के बाद तुरंत पाकिस्तान की तरफ इशारा था तुरंत पाकिस्तान को संदेशा भेजा कि भैया आओ पाकिस्तान हमारे साथ डील कर लो नो फर्स्ट यूज पैक्ट पैक्ट पी ए सी टी पैक्ट यानी समझौता नो फर्स्ट यूज समझौता कि आओ हम दोनों समझौता करें कि हम पहले बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले हम नहीं फोड़ेंगे ना मैं तेरे ऊपर पहले बम डालूंगा ना तू मेरे ऊपर बम डालना पहले तो इसका मतलब बम यूज ही नहीं होंगे लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया हम न्यूक्लियर पावर बने कुछ ही देश दुनिया में न्यूक्लियर पावर कंट्रीज माने जाते हैं जिन्हें मानते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर है उसकी भी डिटेल चर्चा है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं अपनी तरफ से हैं दुनिया मानती है नहीं मानती है एन पी टी नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी हमने साइन किया है नहीं किया है क्यों नहीं किया है ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे आइए वापिस आते हैं अपने मुद्दे पर हम पढ़ रहे थे यूएनओ कहाँ पहुँचे थे कहाँ से बात शुरू हुई अपनी भूल गए कहां से कहाँ बात चली जापान से बात चली थी जापान जापान हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया देन उसके बाद भूल गए बात चलती रही आगे चलिए वापिस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं तो कल हमने जाना था चाइना पढ़ाना शुरू किया था मैंने आपको चाइना तक तो पहुंचे ही नहीं बातें और निकलती रही चाइना तो बात यहां शुरू हुई थी कि जापान ने चाइना के सनकाकू आइलैंड्स पर कब्जा किया था 1895 में 1895 में और वो आइलैंड्स मैं मैप से दिखाऊंगा एक दो दिन बाद वो पूरे स्लाइड्स बनाना शुरू करूंगा मैं और वर्ल्ड मैप से वो आइलैंड वो सब मैं दिखाना शुरू करूँगा आपको थोड़ा मैं भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अभी यूज तो नहीं हूँ स्क्रीन वगैरह के साथ वो सब प्रोसेस में हूँ मैं अभी वो सब स्लाइड्स वगैरह बना के ना तो अपनी पढ़ने पढ़ाने का ढंग बहुत ईजी हो जाएगा तो एटीन में सिनकाकू आइलैंड पर कब्जा किया जापान ने जो कि चाइना के थे और वन टू तक ये आइलैंड्स यूएस के पास रहे यूएस के कंट्रोल में रहे यूएस की फोर्सेस वगैरह वहां होती थी अब 71, 72 के बाद यूएस वहां से निकल लिया अब वो आइलैंड पूरी तरह से जापान के पास आ गए बहत्तर में बहत्तर आते आते चाइना भी पावरफुल हो गया था पुराना चाइना नहीं रहा तो अब चाइना जापान को कहता है भैया दे दे वापिस सिनका आइलैंड जापान कहता है कौन से कहां वाले तो पुरानी बात हो गई ये तो मेरे हैं या तो जापानी बसे हैं ये झगड़ा है चाइना कहता है ये तो मेरे हैं जापान कहता है भैया अठारह के कब्जे किए हुए अब कहां से तुम्हारे हैं यह झगड़ा है आइलैंड्स को लेके अब क्योंकि मैं बता रहा था कि एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में डिस्प्यूट्स क्यों ज्यादा हैं क्योंकि यहां अंग्रेज लोग रहते थे कोलोनियल पावर्स होती थी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ ये लाइनें कैसे खींची गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग इंडिया चाइना के बीच बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं ये क्या है रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये क्या है मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना पर इन दोनों देशों के साथ हमारा झगड़ा हो चुका है कुछ एरियाज़ हमारे पाकिस्तान ने दबाए हुए हैं कश्मीर वाले एरियाज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके तो अंदर तक आ गया है तो मान लीजिए ये कश्मीर और यहाँ यहाँ तक ये सब है पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो पहले तो रेड क्लिफ लाइन ये थी अब ये हो गई एक तरह से बाउंड्री लाइन इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी एलओसी तो अब रेड क्लिफ लाइन तो ऊपर रह गई नीचे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जब कश्मीर पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा ये एलओसी कैसे बने ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलो चाइना ने भी पैंतीस हजार स्क्वेयर किलोमीटर थर्टी फाइव थाउजेंड इतना एरिया हमारा दबाया हुआ है 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ किधर से हुआ किधर से मेरा मतलब ईस्टर्न इंडिया से हुआ कि वेस्टर्न इंडिया की तरफ से हुआ अब पाकिस्तान तो यहां है ना वेस्ट में तो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई तो यहां होती है चाइना यहां भी है और ईस्ट तक भी है वहां तक है तो चाइना के साथ हमारी लड़ाई 62 वाली वो ईस्ट से शुरू हुई थी ईस्ट से ईस्टर्न इंडिया से नॉर्थ ईस्ट से और वहां अरुणाचल प्रदेश का लगभग पैंतीस हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया अभी तक चाइना ने दबाया हुआ है तो मान लीजिए ये थी मैकमोहन लाइन और अब चाइना यहां तक पहुंच गया ये हो गई अब वाली लाइन इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो आजकल आप पेपर्स में पढ़ रहे हो जो हमारा झगड़ा चल रहा है एल तो ये झगड़ा क्यों होता है ये तय हो गया अब ये एल है तुम यहाँ तक हम यहाँ तक बात ही खत्म ये झगड़े क्यों होते हैं एक्चुअली झगड़े इसलिए होते हैं कि बाउंड्री जो है ये प्लेन एरिया में नहीं है कि हमने बाब्ड वायर्स कटीली तारें लगा दी ये तार लग गई इधर तुम्हारा इधर हमारा जहाँ प्लेन्स होते हैं मैदानी भाग होते हैं जैसे आप ये अमृतसर जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर कभी देखने जाओ आप तो आपको नज़र आएगा बहुत बड़ी बाब्ड वायर्स हैं जिसमें से कोई इनफिल्ट्रेट ना कर पाए अंदर घुसपैठ ना कर पाए और आपको दिखता है यहाँ खड़े हो ये इंडिया है उधर वो पाकिस्तान के गांव नज़र आ रहे हैं वो वाला जो खेत है वो पाकिस्तान का है बाब्ड वायर्स हैं लेकिन पूरा इंडिया ऐसा तो नहीं है ना प्लेन्स तो जहां बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालयाज हैं नदियां हैं तो हमने कैसे बाउंड्री बनाई हमने ऐसे बाउंड्री बनाई नदी के वेस्ट वाला तुम्हारा ईस्ट वाला हमारा भाई भी बीच में नदी जा रही है इधर तू चाइना हो गया इधर हम इंडिया हो गए ठीक है नदी जा रही है अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है वो नदी घूम घूम के इधर हो जाती है नदी ही इधर सरक गई इंडिया यहां खड़ा है नदी आगे जा रही है अब नदी ही पीछे आ जाए हम तो यहां खड़े हैं तो चाइना बोलेगा हटो पीछे हटो पीछे मैं तो नदी के साथ साथ हूं हम बोलेंगे भैया नदी तो यहां थी अब नदी ही सरकती जाएगी नदी दिल्ली तक आ जाएगी तो दिल्ली तक थोड़ी आ जाएगा ये झगड़ा होता है इस कारण कंफ्यूजन होते हैं और कंफ्यूजन होते हैं तो चाइना तो फिर ये चुंगचांगली पूरे अग्रेसिव हुए पड़े हैं अब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हैं ये काबू नहीं आते हैं हौसले जबरदस्त हैं इनके ये कहाँ डरते हैं हमें तो एक बार हरा चुके हैं हम ही डरते हैं इनसे लेकिन फिर भी हम हौसला दिखाते हैं अड़ते हैं इनके सामने खड़ते हैं इनके सामने ये तो देश का नेतृत्व लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए जो खड़ी हो जाए अब है क्या आजकल सबके पास न्यूक्लियर बम है वो वाले फुल स्केल वॉर हम गोले फेंके तुम गोले फेंको ये तो होते नहीं आजकल बस जिस जगह झगड़ा होता है छोटी मोटी जगह वहीं अपना दलबल पूरा दिखा दो वहीं कंट्रोल कर लो वहीं दबा दो सामने वाले कोई ऐसा मुश्किल है आजकल कि ठीक है तुम पीछे नहीं हटते हम तोप लेके आते हैं हम एक तो बुलाएंगे वो दो लाएगा वो दो लाएगा हम चार लाएंगे चार लाएगा वो आठ लाएगा बढ़ जाएगा फ्लेयर अप हो जाएगा और फिर होगा क्या फिर ठीक है भैया बम निकालो बीजिंग पे फेंकते हैं न्यूक्लियर बम लाखों लोग मारे जाएंगे तो बीजिंग बोलेगा ठीक है हम बम निकालते हैं एक बॉम्बे पर डालो एक दिल्ली पर डालो तुम्हारे भी करोड़ों लोग मरेंगे तो इसलिए आजकल फुल स्केल वॉर नहीं होता क्योंकि बम्बों ने डेटरेंस क्रिएट किया हुआ है डेटरेंस रोका हुआ है डरता है आदमी लड़ने से अब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होना पॉसिबल नहीं है अब चांसेस नहीं है क्यों क्यों नहीं युद्ध होगा दोनों के पास बम है दोनों न्यूक्लियर बम बना के बैठे पिछले दिनों इमरान खान ने धमकी दिया था कि बम है मेरे पास डाल देंगे मजबूर ना करें इंडिया तो इलेक्शन डेज थे पिछले साल तो मोदी जी ने इलेक्शंस में क्या भाषण दिया था कि हमने फिर ये बम को दिवाली के लिए थोड़े रखे हैं तो हम भी फोड़ेंगे ऐसी बातें बम को लेके ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती वैसे तो मीडिया में क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री को नॉन सीरियसली बम्बों की बात नहीं करनी चाहिए इमरान खान ने तो की वो तो बेवकूफ़ी कर रहा है हम उसे ऐसे जवाब ना दें तो आजकल वो फुल स्केल वॉर मुश्किल है तो इसका मतलब फिर जो पाकिस्तान ने हमारे एरियाज पे कब्जा किया हुआ है पीओके ये वापस लेना मुश्किल है क्योंकि तो उसके पास बम है न्यूक्लियर बम फेंक देगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे तो मुश्किल है पीओके पाकिस्तान से वापिस आना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है यह हम देश के जज्बात भड़काने के लिए देश के अंदर भावनाएं भड़काने के लिए बेशक जितना मर्जी कह दें कि पीओके ले लेके रहेंगे पूरा कश्मीर हमारा है पर प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है जो एलओसी है यह वाली ऊपर पाकिस्तान नीचे इंडिया इसी को आप अब रियल बाउंड्री बना दो वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उधर पाकिस्तान में मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे दोनों के बीच में आगरा सम्मिट हुई थी सम्मिट आगरा सम्मिट समिट किसे कहते हैं वॉट इज समिट शिखर वार्ता शिखर मीन्स हाइएस्ट हाइएस्ट लेवल पे अब हाइएस्ट तो अपने देश में बातचीत करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं समिट के कुछ सिनोनिम्स बताओ सोचो नोटबुक पे लिखने की कोशिश करो समिट के सिनोनिम्स ये हो सकता है एस में, क्लाइमेक्स और सम्मििट पीक हाईएस ए पैक्स एक दो और होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा जैनिथ भी चेक कर लेना डिक्शनरी में जैनिथ इस तरह से तो समिट टॉक्स हुए वाजपेई और मुशर्रफ के बीच में वो टॉक्स आगरा समिट बोलते हैं उसको वो टॉक्स फेल हो गए अगर वो फेल ना होते तो ये माना जाता है कि दोनों देशों ने आपस में एग्री कर लिया था समझौता कर लिया था कि भैया जो एल है ना उसे ही बाउंड्री बना देते हैं इसका मतलब इसका मतलब कि ऊपर वाला एरिया ये तुम्हारा नीचे वाला हमारा ये इंडिया ये पाकिस्तान शांति से रहो मत झगड़ा करो तो कश्मीर ही बट गया आधा आधा ऊपर वाला कश्मीर तुम ही रख लो हमारे पास ही है पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर ये तुम रख लो नीचे वाला हमारे पास है हमने रखा ही हुआ है तो लड़ क्यों रहे हैं हम लोग ना तुमने छोड़ना ना हमने छोड़ना तो शांति से टाइम काट लें अपना लेकिन वो टॉक्स फेल हो गए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कोई बातचीत हो सकती है अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर ले लेंगे ना पाकिस्तान हमें हरा सकता बम है अपने पास ना हम पाकिस्तान को हरा सकते बम है ऐसे ही चाइना के साथ ये बात है हमारी अब हम चाइना को हरा नहीं पाएंगे चाइना के पास हमसे दस गुना ज्यादा बम है तो चाइना भी डरता है कि इंडिया के पास बम है चाहे कम है पर नुकसान तो ज्यादा कर देगा ना इसलिए युद्ध फुल स्केल वॉर अभी आजकल होने आसान नहीं है तो छोटे छोटे स्कर्मिशेज ही होते हैं उस पॉइंट पर राइट आइए तो इंडिया और चाइना का झगड़ा किस बात का है बाउंड्री डिस्प्यूट है मैंने आपको बताया कारण कि अंग्रेजों के टाइम के झगड़े चले आ रहे हैं फिर और भी इश्यूज़ हैं हमारे सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट ही नहीं है हमारा ट्रेड डेफिसिट भी रहता है प्लस कल डिस्कस करेंगे आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे प्लस चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी करता है यहाँ गवादर पोर्ट बनाया पाकिस्तान में या श्रीलंका में हम तोता पोर्टल बनाया श्रीलंका से एरिया उन्होंने लीज पर लिया यहां बांग्लादेश में चिटगांव बनाया यहां बर्मा में सिटवे बनाया मालदीव्स में कोशिश करता है नेपाल से भी दोस्ती कर रहा है तो क्या कर रहा है ये हमें घेर रहा है इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है ये तो इंडिया के चारों तरफ एक माला बन गई इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर्ल्स क्या होते हैं पी ई ए आर एल एस पर्ल्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी किस लिए इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है हमारे पड़ोसी देशों के साथ दोस्तियां करता जा रहा है उन्हें खूब पैसा दे के अपने अंडर किए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं पैसे से उन्हें गुलाम बनाए जाने की कोशिश कर रहा है इसको नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं ये डिटेल में चर्चा इनकी भी आगे आगे हम करेंगे तो इस तरह के झगड़े हमारे चाइना के साथ हैं तो चार पांच इश्यूज हैं जो चाइना के साथ डिस्प्यूट वाले हैं हमारे वो हम डिटेल में सारे डिस्कस करेंगे श्रीलंका है जैसे यहाँ पे श्रीलंका ने हमबन तोता नाम की जगह है वो 99 नाइन ईयर्स के लिए श्रीलंका ने लीज़ पर ही दे दिया चाइना को तो चाइना को अगर ये जगह मिल जाए यहाँ से उठ के चाइना यहाँ अगर अपने शिप्स मिजाइल्स यहाँ खड़े कर दे तो इंडिया की तरफ टारगेट हो गया ये तो जान लेके रखेगा चौबीस घंटे हमारी तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे इसलिए हम चाहेंगे भाई ये श्रीलंका तू चाइना से दोस्ती ना कर चाइना क्या चाहेगा श्रीलंका से दोस्ती करूं कोई हमारा दूर का दुश्मन हमारे पड़ोसी के साथ आके दोस्ती कर ले तो टेंशन हो जाएगी दुश्मन दुश्मन मिल गए या हमारे पड़ोसी दोस्त को अपनी तरफ लेने की कोशिश करे तो दिक्कत हो जाएगी जैसे चाइना नेपाल को अपने साथ लेने की कोशिश करता है ऊपर चाइना है बीच में नेपाल है यहाँ इंडिया है अब नेपाल हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली हमारा दोस्त रहा है सीता माता कहाँ की थे सीता माता का मायका ननिहाल कहाँ का था नेपाल का श्री राम की बारात कहाँ गई थी नेपाल गई थी और नेपाल हमारा अच्छा मित्र रहा है अब नेपाल अगर चाइना का मित्र हो जाए और हमें तो डर है धीरे धीरे चाइना ने, ने नेपाल को दबा लेना है तो बीच में नेपाल पूरा हट ही गया तो चाइना की बंदूकें सीधी हमारे ऊपर आ गई आ गई बीच में ये बफर जोन बना हुआ था इसको बोलते हैं बफर जोन हट गया बफर कंट्री हट गया तो सीधे हम चाइना की रेंज में आ गए हम चाहेंगे कि बीच में न्यूट्रल कंट्रीज रहें दुश्मन के साथ डायरेक्ट मुठभेड़ कंफ्रंटेशन ना ही हो झगड़े बढ़ेंगे कोई ना कोई झगड़ा छिड़ा ही रहेगा लेकिन चाइना क्या चाह रहा है कि नेपाल को भी क्योंकि इंडिया का दोस्त है नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में करो खूब पैसा वैसा दो आजकल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है नेपाल में चाइना तो कम्युनिस्ट है ही है तो कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी तरफ लो वहाँ ओली प्रधानमंत्री हैं कम्युनिस्ट पार्टी के उनको अपने साथ ले कर रखो ओली को बोलो भैया तो इंडिया के खिलाफ बयान दे उल्टे सीधे ओली ने दिए चाइना ने ओली की सरकार बचाई ओली ने उल्टे सीधे बयान दिए और इंडिया के साथ रिश्ते ख़राब किए आज की डेट में इंडिया और नेपाल के रिश्ते बिल्कुल डाउनस्ट्रीम पे हैं एब पर हैं, एब एब मतलब लोएस्ट पॉइंट पे इंडिया और नेपाल के रिश्ते किस कारण चाइना पोकिंग करता है इंस्टिगेट करता है नेपाल को कल से चिंता ना कर चिंता ना कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो नेपाल कहता है इतना बड़ा चाइना साथ खड़ा है तो थोड़ा बहुत तो आंख दिखा सकते हैं इंडिया को दिखाया वहां जो लिपू लेक का झगड़ा है नेपाल के साथ बाउंड्री का वो क्या झगड़ा है वो भी यही झगड़ा है नदी वो नदी शिफ्ट होती रहती है शिफ्टिंग के चक्कर में नेपाल दावा करता है तो हमारी है वो भी अंग्रेजों की कारिस्तानी है जब बंटवारा किया तो ऐसे ही किया था नदी के इधर वाला तुम्हारा इधर वाला इनका इस कारण झगड़े हैं राइट तो चाइना के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिटेल में आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अभी आज मैंने बातें इसलिए डिस्कस की थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो आप पेपर पढ़ना शुरू करो आपको आनंद आए पेपर पढ़ने में राइट आइए पॉलिटिक का एक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं तो कल हमने जाना था फेडरलिज्म डरिज्म क्या होता है हमने जाना कि जहां एक सेंटर होता है और स्टेट्स होते हैं और सेंटर और स्टेट में पावर्स बटी होती हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है डिवीजन ऑफ पावर्स होता है डिवीजन नॉट सेपरेशन सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है डिवीजन ऑफ पावर्स कुछ पावर्स सेंटर के पास कुछ स्टेट्स के पास इसे कहते हैं फेडरलिज्म अगर ऐसा ना हो सारी शक्तियां सेंटर के पास हों तो उसे बोलते हैं यूनिट्री ट्री अब कल हमने जाना था कि फेडरलिज्म का आइडिया हमने अमेरिका से बोरू किया अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब थर्टीन कॉलोनीज थर्टीन कॉलोनीज़ ये सब आज़ाद हुई तो इन सब ने मिलके एक सेंट्रल बॉडी बनाई अपनी सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेंट्रल बॉडी बनाई और इन स्टेट्स ने इन स्टेट्स ने कुछ पावर्स सेंटर को दे दी स्टेट्स ने कुछ पावर्स सेंटर को दे दी बट गई पावर्स शक्तियों का बंटवारा हो गया और जहां शक्तियों का बंटवारा होता है उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, कहते हैं। तो ये हमारे यहां भी ऐसा है ऐसा है हमारे यहां भी दिल्ली सरकार है और ये राज्य हैं। कुछ पावर्स दिल्ली सेंटर के पास हैं, कुछ पावर्स स्टेट्स के पास है पावर्स बट गए शक्तियों का बंटवारा हो गया पर कल हमने जाना था कि हमारे यहां जो स्टेट्स हैं वो असल में पावरफुल नहीं है ज्यादा पावर्स नहीं है उनके पास जो अमेरिका के स्टेट्स हैं वो पावरफुल हैं क्यों क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन स्टेट्स ने खुद कुछ पावर्स सेंटर को दी कुछ पावर्स चार बाकी सारी अपने पास रख ली सेंटर को सिर्फ कम्युनिकेशन करेंसी, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स ऐसी पावर्स दी बाकी सब अपने पास रखा ज्यादा पावर्स यानी स्टेट्स पावरफुल इसीलिए अमेरिका में हर स्टेट का अलग संविधान है अलग नागरिकता है अलग झंडा है हर राज्य का अलग झंडा है और अलग कॉन्स्टिट्यूशन है अलग सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं है अलग नागरिकता नहीं है राज्यों की एक ही नागरिकता है भारत की अलग झंडा नहीं है हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा का स्टेट्स इतने पावरफुल नहीं है हमारे यहाँ कि हम बोलें कि तुम अपनी अलग नागरिकता बना लो जी तुम अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखो नो no! हमारे यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे यहां स्टेट्स उतने ज्यादा मजबूत नहीं है सेंटर मजबूत है तो सेंटर को बड़ा लिखते हैं सी को स्टेट्स को छोटा लिखते हैं ये सिस्टम हुआ और सेंटर ने पावर दी है हमारे यहां स्टेट्स को अमेरिका में क्या है अमेरिका में अमेरिका में स्टेट ही बड़े हैं पावरफुल है और सेंटर को छोटा रखते हैं हमारे यहां सी बड़ा है एस छोटा अब दुनिया के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जो असली फेडरलिज्म होती है रियल जो मॉडल होता है फेडरिज्म वाला वो ये होता है अमेरिका वाला जिसमें स्टेट्स मजबूत है स्ट्रांग है पावरफुल है ये इंडिया वाला ये कहता है ये तुम फेडरल नहीं हो तुम फेडरल जैसे हो फेडरल लाइक हो तुम क्वासाई फेडरल हो कभी आपने वर्ड सुना हो क्वासाई फेडरल क्यू यू एस आई तो फेडरल लाइक हो पूरे फेडरल नहीं हो क्यों तुम्हारे यहां स्टेट्स को इतने पावरफुल थोड़े हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारे यहां स्टेट्स कितने पावरफुल हैं क्या पावर्स हैं कैसे फेडरल हैं कैसे यूनिटरी हैं अब क्योंकि क्योंकि अपने यहां फेडरलिज्म है सेंटर है सेंटर है और स्टेट्स हैं इनमें पावर्स बटी हुई हैं और हम जानते हैं पावर्स तीन तरह की होती हैं पावर्स सरकार तीन अंग होते हैं पावर्स लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तो हमारे यहां सेंटर को भी लेजिस्लेटिव पावर्स मिली हैं एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर ये तो पावर्स होती हैं सरकार यही तो है सरकार के पास पावर्स बिना पावर्स के क्या सरकार तो ये तीन प्रकार की पावर्स हमारे सेंटर के पास है ऐसी ही तीन, तीन प्रकार की पावर्स कुछ पावर्स हमने स्टेट्स को दी हैं बंटवारा किया है तो कुछ लजिस्लेटिव पावर स्टेट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास और कुछ जुडिशियल पावर तो मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का पावर्स का बंटवारा यस yes. शक्तियां तीन तरह की यस yes. ये बांट दी हमने लजिस्लेटिव पावर लेजिसलेट करने की पावर इनमें बंटवारा कैसे कुछ पावर सेंटर को दी कुछ स्टेट को ये कैसे कानून बनाने की पावर है कुछ मुद्दों पर कानून सेंटर बनाएगा कुछ मुद्दों पर स्टेट बनाएगा बंटवारा कर लिया जो मुद्दे पूरे देश को प्रभावित करते हैं वो मुद्दे हमने सेंटर को दे दिए भाई मान लीजिए मनी एंड बैंकिंग ये करेंसी, 500 का नोट हज, हजार रुपए का दो हजार रुपए का नोट अब 500 रुपए का नोट अगर हर स्टेट को दे दे हम बनाने के लिए यानी लजिस्लेटिव पावर स्टेट के पास हो करंसी की यानी करंसी पर कानून बनाने की पावर स्टेट्स के पास हो पंजाब हरियाणा तमिलनाडु कर्नाटक इनके पास हो तो क्या होगा तो हर स्टेट अपनी लजिस्लेचर को बोल के करंसी पर कानून बनाएगा बनाएगा तो पंजाब वाले पांच सौ रुपए के नोट पर मान की फोटो बना सकते हैं लगा सकते हैं लगा सकते हैं हिमाचल वाले पांच सौ रुपए का नोट निकालेंगे उस पर कंगना राम या प्रीति जिंटा की फोटो लगा सकते हैं लगा सकते हैं हरियाणा वाले पांच सौ रुपए का नोट निकालेंगे उस पर पहलवान सुशील कुमार की फोटो लगा सकते हैं लगा सकते हैं तो फिर हम प्रीति जिंटा वाला नोट लेके पंजाब में जाएंगे तो पंजाब वाले क्या बोलेंगे भैया ये नहीं चलेगा यहाँ मान वाला लाओ ये हाल हो जाएगा तो क्या करना चाहिए तो भैया नोट तो पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए ये जो मनी का सिस्टम है ये तो करेंसी है पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए तभी तो एक जैसी क्यों होनी चाहिए अलग अलग हो तो क्या नुकसान है आपको यूरोपियन यूनियन मालूम है उनतीस देशों का समूह यूरोपियन यूनियन यूरोप के 50 में से उनतीस देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया और उसमें से कुछ देशों ने आपस में मिलकर अपने देशों में करेंसी कॉमन कर ली यूरो किस लिए? कि आपस में व्यापार करने में आसानी होती है और इकोनॉमिक गठबंधन गठजोड़ अच्छा होता है नहीं तो अलग अलग ही रहते हैं करंसी एक हो तो ट्रेड करने में आसानी इकोनॉमिक मजबूती आती है इंटीग्रेशन आती है यूनिटी आती है इसलिए भारत के सभी स्टेट्स में करेंसी एक ही होनी चाहिए अलग अलग होगी तो हर स्टेट कोई उधर देखेगा कोई उधर देखेगा टूटने का डर रहेगा इतनी पावर तो नहीं देनी चाहिए स्टेट्स को इसीलिए करेंसी बनाने की करेंसी पर कानून बनाने की पावर शक्ति कानून बनाने की शक्ति यानी लजिस्लेटिव शक्ति लजिस्लेटिव पावर विधान पालिका की पावर कानून बनाने की पावर ये हम सेंटर को ना दे दें सेंटर जिसका काम है पूरे देश पर कानून बनाना हाँ ये ठीक रहेगा तो जो सेंटर करेंसी निकालेगा वो पूरे देश में चलेगी यस ऐसे ही डिफेंस फौज क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये डिफेंस हम स्टेट्स को दे दें कि तुम अपनी अपनी फौज बना लो जी पंजाब की फौज हरियाणा की फौज ये भाई साहब हिमाचल आर्मी में करना ले ऐसा होता है क्या ये भाई साहब हिमाचल एयरफोर्स के पायलट हैं ये पंजाब के फौजी हैं ऐसा नहीं होता है हम सिर्फ भारत के फौजी हैं भारत की वायुसेना के पायलट हैं और भारत की आर्मी के कर्नल हैं पंजाब आर्मी के नहीं हैं हम लोग तो डिफेंस पूरे देश को एक जैसा चाहिए भारत ही संभालेगा डिफेंस तो डिफेंस वाले पावर ये सेंटर को दे दें तो डिफेंस पर कोई कानून बनाना है सेंटर ही बनाए तो इसी तरह से जो मुद्दे पूरे देश को प्रभावित करते हैं उन मुद्दों को हम सेंटर को दे दें कि हे सेंटर हे सेंटर की लजिस्लेचर कानून बनाने वाली बॉडी इन इन मुद्दों पर इन इन मुद्दों पर कानून तुम बनाओ हे सेंटर तुम कानून बनाओ सेंटर इन मुद्दों पर कानून तुम बनाओ और हम इसे बोलेंगे लिस्ट एक लिस्ट बना दी सेंटर की लिस्ट या यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट ऐसे ही जो मुद्दे स्टेट स्पेसिफिक हो कुछ एरिया स्पेसिफिक हो वो मुद्दे हम स्टेट्स को दे दें ताकि वो संभाल लें लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर संभालना है स्टेट संभाल ले पुलिस स्टेट संभाल ले संभाल ले तो हिमाचल की पुलिस पंजाब की पुलिस अलग अलग कानून हो सकते हैं हो सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि पंजाब पुलिस की ड्रेस काली हो हिमाचल की वाइट हो पॉसिबल है क्या है पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उनकी ड्रेस कैसी है वाइट क्योंकि हर स्टेट की मर्जी है वो पुलिस के लिए क्या ड्रेस निर्धारित करे क्या ऐसा पॉसिबल है कि कर्नाटका के थानेदार को दो लाख रुपए महीना सैलरी मिले और पंजाब के थानेदार को पचास हजार रुपए मिले पॉसिबल है हर स्टेट की मर्जी है क्योंकि पुलिस वो स्टेट के दायरे में आता है तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस लैंड जेल्स ये स्टेट को दे दी हमने ऐसे ऐसे मुद्दे स्टेट लिस्ट बना दी जेल्स कैसा हो सकता है कि हरियाणा की जेल्स में कैदियों को एल मिले अलग रूम मिले फाइव स्टार अटैच वॉशरूम वाला रूम मिले सुबह ब्रेकफास्ट में एप्पल मिले लंच में चिकन मिले डिनर में मटन मिले फिर कभी कभी पिज़्ज़ा भी आए बर्गर भी आए ऐसा हो सकता है हो सकता है किसकी मर्ज़ी स्टेट की मर्जी और दूसरे स्टेट में ऐसा हो सकता है कि वहाँ कैदियों से काम लिया जाए ज़्यादा हो सकता है कोई स्टेट चाहे तो काम ना ले ना ले क्योंकि जेल्स को संभालना ये स्टेट की मर्जी है स्टेट्स की जूरिस डिक्शन में आते हैं द वर्ड इज जूरिसन ये स्टेट की जूरिस डिक्शन में आते हैं कैसी ज्यूरिस डिक्शन जूरिस डिक्शन होता है एक्सटेंट ऑफ पावर शक्ति लजिस्लेटिव ज्यूरिस डिक्शन कानून बनाने की पावर कानून बनाने की शक्ति तो स्टेट की लजिस्लेटिव ज्यूरिजिक्शन में ये सब आते हैं यूनियन की लजिस्लेटिव ज्यूरीज में ये मुद्दे आते हैं मनी एंड बैंकिंग करेंसी रेलवे डिफेंस एटॉमिक मिनरल्स फॉरेन अफेयर्स कम्युनिकेशन एट्सेट्रा एटसेट्रा लिस्ट बना दी हो गए शक्तियों का बंटवारा कौन सी लजिस्लेटिव पावर्स का सेंटर की लजिस्लेटिव पावर स्टेट की लजिस्लेटिव पावर और आप जानते हो लजिस्लेट करने का कानून बनाने का काम किसका है सेंटर की लजिस्लेचर का जिसको कहते हैं पार्लियामेंट जिसके दो हाउसेज हैं लोकसभा राज्यसभा ऐसे ही स्टेट की लजिस्लेचर को हम बोलते हैं लजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा तो राज्यों में विधानसभा होती है सेंटर में पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट सेंटर में लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में उस पार्लियामेंट के मेंबर को क्या बोलते हैं एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इसका मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का एलए का मेंबर उसको क्या बोलेंगे एम एल तो एमएलए नाम का प्राणी कहां पाया जाता है स्टेट में एमपी नाम का प्राणी कहां पाया जाता है सेंटर में ये होता है स्टेट में काम क्या है कानून बनाना कानून बनाना अच्छा तो फिर जो हम एमपी के लिए वोट डालते हैं जिसको हम चुन के भेजते हैं आगे उसका काम कानून बनाना है क्या यस yes. एमएलए का काम भी कानून बनाना है क्या यस yes. लॉ मेकिंग करते हैं किन मुद्दों पे लॉ मेकिंग करेंगे वो लिस्ट है ना बंटवारा किया है ना वो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट है ना संविधान ने लिस्ट बनाई है ना अच्छा फिर अगर यूनियन यूनियन का लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट स्टेट के किसी मुद्दे पे कानून बनाने लगे तो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाने लगे तो संविधान के अगेंस्ट जाने लगे तो तो संविधान की रक्षा कौन करेगा जुडिशरी प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है जुडिशरी तो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी लेकिन बनाएगी संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन तो मां है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये तीन बच्चे हैं मां के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगी होगा वो संविधान के अनुसार अगर नहीं होगा तो जुडिशरी बोलेगी गलत ये तो असंवैधानिक है गैर संवैधानिक है ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये नहीं चलेगा ये तो वाइड है वाइड ये तो नल है ये तो इनवैलिड है खोखला है ये नहीं चलेगा तो लजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा हो गया बट बट गई शक्तियां अब आप मुझे ये बताओ एक सेंटर है स्टेट है हमने देखा किसी देश के मैप में कि वहाँ उस कंट्री में ऐसे ऐसे स्टेट्स बने हुए हैं कोई भी कंट्री है कुछ स्टेट्स बने हुए हैं तो ये मैप देखने से हमें क्या आइडिया आएगा वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है कि फेडरल है जहाँ स्टेट्स बने हैं मतलब स्टेट्स को कुछ पावर है अगर को कुछ पावर है तो मतलब वो फेडरल है हाँ। शक्तियों का बंटवारा होगा होगा जहां यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है यूनियन में यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो दमदार टाइप है मनी एंड बैंकिंग रेलवे सीबीआई आरबीआई स्टेट लिस्ट में मछलियां एजुकेशन जेल कम इंपोर्टेंस के मुद्दे हैं ये क्या बताता है कि हम फेडरल हैं कि यूनिटरी हैं फेडरल या यूनिटरी? जब यूनियन स्ट्रॉन्ग है यूनियन के पास मुद्दे क्वालिटेटिवली अच्छे हैं इसका मतलब हम यूनिटरी हो गए फेडरल तो ना हुए फिर देखो यूनियन लिस्ट में 99 नाइन सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में सिक्सटी सिक्स हैं बस तो बताओ ये क्या बताता है कि हम फेडरल हैं कि यूनिटरी हैं, यूनिटरी हैं क्योंकि इसके पास ज्यादा है यूनियन के पास यूनियन स्ट्रोंग है यूनिटरी हो गए जब स्टेट स्ट्रांग होंगे स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंस होगी स्टेट होंगे तो हम बोलेंगे भैया ये तो फेडरल टाइप फीचर है स्टेट्स का होना ही दिखाता है कि हम फेडरल है फिर स्टेट को अगर कम पावर है तो हम बोलेंगे ये तो यूनिटरी हो गया जी अब बताइए यूनियन चाहे तो सेंटर चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम एरिया बाउंड्री कभी भी चेंज कर सकता है मतलब अगर चाहे तो पंजाब का नाम बदल के पंजाब से कुछ भी रख सकता है नोट गुरुदास मान सम अदर मान रख सकता है रख सकता है पंजाब को खत्म भी किया जा सकता है टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है पंजाब के दस टुकड़े भी बनाए जा सकते हैं यह भी कर सकता है सेंटर कि पंजाब तो अब होगा ही नहीं ये सेंटर को पावर है ये पावर क्या दिखाती है हम यूनिटरी हैं या फेडरल हैं यूनिटरी है, सेंटर है, फेडरल का मतलब स्टेट स्ट्रांग स्टेट अपना नाम तो बचा नहीं पा रहे अपना एरिया बचा नहीं सकते कहां से स्ट्रांग होंगे से फेडरल हुए हम, तो ये हमारे यूनिटरी फीचर है तो इस तरह से अपने संविधान में कुछ फीचर्स यूनिटरी टाइप हैं कुछ फेडरल टाइप है तो पेपर में ये सवाल आता है कि हम कैसे हैं हम फेडरल हैं कि यूनिटरी हैं तो मैं बताना पड़ता है कैसे फेडरल है कैसे कैसे हम यूनिटरी हैं दो लिस्ट हो गई यह लिस्ट लेजिस्लेटिव लिस्ट कहलाती है एक और लिस्ट होती है जिसे कहते हैं हम कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट अब हमने देखा यूनियन लिस्ट में मुद्दे वो जो पूरे देश को प्रभावित करें स्टेट लिस्ट में मुद्दे वो जो खाली स्टेट को अफेक्ट करें और कंकरेंट लिस्ट में मुद्दे वो जो सेंटर और स्टेट दोनों को असर डालें दोनों को अफेक्ट करें क्यों कैसे बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सेंटर संभाल सकता, सकता है ये स्टेट संभाल सकता है एक्चुअली सेंटर और स्टेट कोई दूर दूर थोड़े बैठे हैं सब स्टेट्स को मिला के ही तो सेंटर बनाए यूनियन बनाए देखिए यहां स्टेट्स हैं कोई स्टेट्स अलग पाकिस्तान में थोड़े बैठे हैं सब स्टेट्स को मिला के तो यूनियन बनाए इसीलिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर बंटवारा पॉसिबल नहीं है वो मुद्दा कभी स्टेट में कभी सेंटर में दाएं बाएं घूमता रहेगा वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता इसलिए उन मुद्दों को हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया कंकरेंट लिस्ट जैसे फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन वेट्स एंड मेजर्स एजुकेशन एजुकेशन पर कानून स्टेट भी बना सकता है सेंटर भी बना सकता है एग्रीकल्चर स्टेट भी बना सकता है सेंटर भी बना सकता है क्योंकि वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन सेग्रीगेशन अलग करना पॉसिबल नहीं है इसलिए कंकरेंट लिस्ट बनाई गई पर और इस कंकरेंट लिस्ट में 47 सेवन सब्जेक्ट होते हैं और इन पर कानून कौन बनाएगा दोनों बना सकते हैं यूनियन भी स्टेट भी लेकिन अगर झगड़ा हो जाए मेरा कानून ऊपर रहेगा मेरा ऊपर रहेगा तो किसका ऊपर रहेगा यूनियन का सेंटर का ये क्या बताता है हम फेडरल हैं कि यूनिटरी हैं यूनिटरी हैं? हम यूनिटरी हैं क्योंकि अल्टीमेटली यूनियन ही स्ट्रांग हुआ तो हमने सभी लेजिस्लेटिव पावर्स को इन तीन लिस्ट में बांट दिया लजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा कर दिया सारी शक्तियां बांट दी सारी हां सॉरी हां सारी जानना कैसे पॉसिबल है कोई नई निकल आई तो आईटी, जब देश आजाद हुआ था संविधान बनाया था आईटी किसी ने सोचा था क्या साइबर क्राइम साइबर चोरी किसी ने सोचा था क्या नहीं हमने तो क्या किया कि ऐसा कोई और नया मुद्दा निकल के आएगा जो बाद में जो बच गया पावर जो बच गई जो अभी समझ नहीं आ रही जो रह गई नीचे रेजी डोरी जो रेजीडोरी पावर हैं वो भी हमने सेंटर को ही दे दी कि जो पावर्स बच गई इन तीन लिस्ट में नहीं हम अभी सोच पा रहे हैं वो रेजिडरी पावर्स भी हमने सेंटर को ही दे दी ये सेंटर को स्ट्रांग बना दिया और ये क्या बताता है हम यूनिट्री हैं कि फेडरल है यूनिट्री है कैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो शिमला में आसमान से बहुत हीरे गिरने शुरू हो जाए हीरे बहुत बड़े बड़े डायमंड्स शिमला में नहीं पंजाब में लुधियाना में बहुत डायमंड्स गिरे इतने डायमंड्स कि हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो सकती है आसमान से कैसे गिरेंगे डायमंड्स यू नेवर नो हम कहाँ पूरी दुनिया को जानते हैं ऊपर से कुछ ना कुछ एस्टीरोइड्स छोटे मोटे टुकड़े गिरते तो रहते ही हैं क्या पता किसी दिन बड़े बड़े डायमंड्स गिर जाएं गिर गए इतने डायमंड्स गिरे हल्ला हो गया पूरा आज तक वाज तक ये देखिए ये देखिए टीमें लेके पहुंच गए किसी ने फोन किया कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब सर जल्दी आइए लुधियाना में तो देखो ये तो पंजाब माला माल हो गया इतने हीरे मिल गए वाह कांग्रेस सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन कहते हैं मजे आ गए ये तो पंजाब के तभी लुधियाना में जो बीजेपी वाले लोग हैं उन्होंने मोदी को फोन किया मोदी जी लुधियाना में इतने हीरे जल्दी आ जाओ अपने ये तो मोदी जी भी पहुंचे बहनों भाइयों ये तो भारत की संपत्ति है कैप्टन अमरिंदर बोले ये तो पंजाब में गिरे पंजाब की संपत्ति है मोदी बोले ये भारत के हीरे हैं हो गया झगड़ा ढूंढते हैं कि ऊपर से गिरने वाला सामान किसके पास जाएगा क्या यूनियन लिस्ट में इसका जिक्र था था ही नहीं किसी ने सोचा ही नहीं स्टेट लिस्ट में ना कंकन लिस्ट में ना तो जो बच गया वो किसके हिस्से जाना था सेंटर के तो हीरे किसके पास जाएंगे मोदी जी के भारत के पास ये एग्जाम्पल है रेजिडरी पावर्स का तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा होता है लजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा है ऐसे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स का बंटवारा होता है बस करते हैं आज राइट फिर शुरू करते हैं कल से कल से प्रियम्बल पढ़ना शुरू करेंगे प्रियम्बल स्लाइड्स के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे कोशिश करते हैं कल या परसों से राइट अखबारें पढ़िएगा आज संडे बहुत अच्छे अच्छे अखबार आते हैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं ज़्यादा ज़्यादा पढ़िएगा अभी किताबों की तरफ मत जाइएगा लालच मत खींचेगा सिलेबस के पीछे मत भागिएगा। इनके सिलेबस नहीं होते ये अंतहीन है ये तो खुला हुआ दिमाग जिसका है उसका ही पेपर पास होता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा सिलेबस कवर हो जाए सिलेबस कवर हो जाए दिमाग खोलिएगा पहले सिलेबस तो चुटकियों वाले हैं सत्तर अस्सी परसेंट आई ए एस एच एस पी सी एस बारहवीं क्लास से नीचे नीचे तो सबसे पहले अपना विजन ब्रॉड कीजिए अपना एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए और थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन जरूर बनाइएगा प्रॉपर टाइम पे सोना टाइम पे उठना ऐसा नहीं कि सुबह पांच बजे हमें उठना है तो रात बारह एक बजे तक तो हम ऑनलाइन ही रहेंगे तो पांच बजे कैसे उठ पाएंगे उठ भी जाएंगे तो क्या पढ़ पाएंगे लगा भी लेंगे कान पे तो सोते रहेंगे ऊँगते रहेंगे क्या फायदा तो इस कीमती वक्त को प्रॉपर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको भीड़ से बाहर निकलना है अगर आपको लगता है कि हमें आम भीड़ वाला आम जनता वाला काम नहीं करना है हमें कुछ ऊपर वाला काम करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी तो लगेंगे ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट कैसे होंगी आप खुद जानते हो दो चीजें जीवन में सिर्फ अपनी मेहनत से ही मिलनी है एक पढ़ाई एजुकेशन दूसरा आपकी सेहत सेहत बॉडी मेहनत करनी ही पड़ेगी जोर लगाना पड़ेगा तभी बॉडी बनेगी किसी के कहने से कुछ खरीदने से दवा खरीदने से थोड़े ना बॉडी बनती है खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पसीना बहाना पड़ेगा ऐसी एजुकेशन में खुद जोर लगाना ही पड़ेगा कोई शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल शॉर्टकट मत देखिएगा मेरे अलावा दाएं बाएं से किताबें विताबें पूछ के अपने आप काम मत शुरू कीजिएगा परेशान मत होइएगा मैं आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे क्या पढ़ना है हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे अपने आसपास आपके आसपास जो सिक्स सेवंथ एट्थ के बच्चे होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें होती है जिनमें थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन होता है सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ तक की वो किताबें हाथ लगें तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए अब आपको समझ आएगा उनको ख़त्म कीजिए फिर एनसीआर बुक्स पढ़ेंगे फिर कोई लक्ष्मीकांत टाइप बुक पे आएंगे हम लोग राइट थैंक यू सो मच करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए इच्छा हो तो दिन में ही मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वाला टॉपिक कल कराओ हमें तो मैं आपको करवा दूँगा बाय बाय हैव अ गुड डे